हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में जीके का क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में यूज किया जाता है, यानी कि संलग्न है किया नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है 52.7% ए, बी 56.3%, सी 65.3% और यहाँ पर डी दिया गया है 70.7%। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में यूज किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। सबसे यहाँ पर 52.7% जो है यूज किया जाता है कृषि कार्यों में, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था और ये सारे गलत हैं, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर सही है, ये वाला यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए दिया गया है 48%, बी दिया गया है 54%, सी दिया गया है 64%, डी दिया गया है 70%। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, यानी कि 48%, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, ए दिया गया है 13.9%, बी दिया गया है 26.1%, सी दिया गया है 28.3%, डी दिया गया है 55.40%। तो इसमें कौन सा होगा, ए होगा, राइट। 13.9% होगा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादक GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 13.9% योगदान है, ठीक। आंसर 13.9%। चलिए चौथा क्वेश्चन है। यहाँ 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन 26.1%, बी ऑप्शन है 28.1%, सी दिया गया है 40.55%, डी दिया गया है 55.40%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, तो 55.40% योगदान था। आंसर है 55.40%, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है,
आपको बताना है कितना भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। 0.3, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0.3%, दूसरा ऑप्शन है 0.5%, तीसरा ऑप्शन है 2%, डी है 4%। तो आप 4%, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा पहला, यानी कि 0.3%। तो भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो 0.3% शोध किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका योगदान कितना है। तो 12.1% पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 13.8%, तीसरा ऑप्शन है 15.6%, चौथा ऑप्शन है 20.6%। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर 12.1% निर्यात निर्मित वस्तुओं का योगदान है। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में खाद के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 114 मिली हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 118 मिली हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 122 मिली हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन है 128 मिली हेक्टेयर। तो आपको बताना है वर्तमान में खाद के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 122 मिली हेक्टेयर, यानी कि वर्तमान में खाद के अंतर्गत आने वाला 122 मिली हेक्टेयर क्षेत्र है। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1991 ईस्वी में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, चलिए हम इसे देख लेते हैं। आंसर होगा 1970 ईस्वी में। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो 1970 ईस्वी में की गई थी। ठीक, चलिए अब चलते हैं नौवा क्वेश्चन की तरफ। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1 हेक्टेयर तक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 2 हेक्टेयर तक, तीसरा ऑप्शन है 3 हेक्टेयर तक, चौथा ऑप्शन है 4 हेक्टेयर तक। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पहला है 1 हेक्टेयर तक, यानी कि 1 हेक्टेयर तक। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता
वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है। चलिए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दसवां क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत जोते एक हेक्टेयर या उससे छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 33%, बी ऑप्शन दिया गया है 56%, सी ऑप्शन दिया गया है 65%, डी दिया गया है 86%। तो आपको बताना है, चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर 65%, भारत की कितनी प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। तो 65%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रह में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।